रसोई गैस को लेकर देश के लिए राहत की बात यह है कि घरेलू कुकिंग गैस की कीमतों में कमी हुई, जिसके चलते आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ईंधन की कीमतें गिरने के बाद एलपीजी सिलेंडर सस्ता हो गया है। बिना सब्सिडी का एलपीजी सिलेंडर 133 रुपए सस्ता हो गया है। तो वहीं यदि सब्सिडी वाले सिलेंडर की बात करें तो जो सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर होगा उसकी कीमत 6 रुपए 52 पैसे कम हो गई है। ये जो कटौती, इस कटौती के बाद में दिल्ली में नॉन सब्सिडी सिलेंडर 809 रुपए 50 पैसे का और सब्सिडी सिलेंडर 500 रुपए 90 पैसे का मिलेगा। वही घटी हुई कीमतें लागू आज से हो जाएंगी। आपको ये भी बता दें कि एलपीजी के दामों में ये कमी लगातार 6 महीने की बढ़ोतरी के बाद में हुई है। यानी कि जिस तरह से कीमत लगातार बढ़ रही थी, 6 महीने के बाद में अब लोगों को इससे थोड़ी सी राहत मिली है और कहा जा सकता है कि ये महंगाई से राहत देने वाली आपके लिए खबर होगी, क्योंकि बिना सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर जो है वो 133 रुपए सस्ता जो हो गया है। और कहा जा सकता है कि इससे आपका जो एक बजट है वो काफी हद तक संभलेगा। और वही दूसरी तरफ अगर हम सब्सिडी वाले सिलेंडर की बात करें तो 6 रुपए 52 पैसे कटौती हुई बिना सब्सिडी सिलेंडर। अब ग्राहक को 809 रुपए 50 पैसे में देना होगा, लेना होगा। और अभी इसकी कीमत जो है 942 रुपए थी। सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 507 रुपए 42 पैसे। तो सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपए 90 पैसे अब हुई है मई के बाद में। अब रसोई गैस के दाम घटाए गए हैं, यानी कि एक लंबा इंतजार लोगों को करना पड़ा और उसके बाद में आखिरकार अब उन्हें काफी राहत मिली। तो भाई, साल 2018 का आखिरी महीना आज से शुरू हो गया है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस महीने आपकी जिंदगी से जुड़ी काफी चीजें बदलने वाली है? किस तरह की चीजें, वो जरा आप जान लीजिए। 1 दिसंबर से आपके काम को कौन सी जरूरी चीजें ऐसी हैं जो कि आपको बदलनी है। SBI ग्राहकों को अपने बैंक में जाकर मोबाइल नंबर रजिस्टर कराना होगा और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आज से इंटरनेट बैंकिंग सर्विस बंद हो जाएगी। वहीं आज से SBI पेंशन लोन और पर्सनल लोन पर प्रोसेसिंग फीस SBI लेगा। लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा करने पर पेंशनर्स की पेंशन भी रुक जाएगी। वहीं आज के बाद में स्टेट बैंक के वॉलेट ऐप बंद हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर माता पिता अलग हो गए हैं तो आवेदन करने वाले को आज से पिता का नाम देना अनिवार्य नहीं होगा। तो ये स्टेट बैंक से जुड़ी हुई खास जानकारियां हैं जो कि आज से लागू होंगी। तो आपको भी थोड़ा सा सचेत रहना है और यदि आपने भी अपना अकाउंट मोबाइल नंबर से लिंक नहीं कराया है तो आज ही जाइए, वरना अगर आप ऐसा नहीं कराते तो आपका अकाउंट बंद हो सकता है।